देखो शरोज, पहले यार तारों दे आण के बह जांदी सी मेरी असर नारा ने रेहड़ी भरी हुई सी। कुछ रोज पहले थले आई उतरे ने, उन्होंने आण के आपका नार चोगा लिया, फिर चले गए ने, फिर उतरे आए ने, फिर चोगा चोगा लिया, फिर चली गई। उस तो बाद उन्हें आण के आपका इतने घर बनाना शुरू करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सर भट्टी। जिला उगाड़ा तहसील रीनाला कोट में मौजूद है। इंसान और बुलबुल की दोस्ती की कहानी बहुत मशहूर है, ये आइए हम इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है, इनकी दोस्ती कैसे हुई, उससे मोहब्बत कैसे होगी और उसने इधर अपना घोंसला कैसे बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चर्चे हैं सोशल मीडिया पे कि बुलबुल बुलबुल के साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई और क्या कहना चाहेंगे? देखो शरोज, पहले यार तारों दे आण के बह जांदी सी मेरी असर नारा ने रेहड़ी भरी हुई सी। कुछ रोज पहले थले आई उतरे ने, उन्होंने आण के आपका नार चोगा लिया, फिर चले गए ने, फिर उतरे आए ने, फिर चोगा चोगा लिया, फिर चली गई। उस तो बाद उन्हें आण के आपका घर बनाना शुरू करता। घर बना के नाल ही आंडे लाए ने, बच्चे दिते ने, फिर मैं उन्होंने नार खुआन लग पाया। बस ऐ साडी दास्तान है। क्या लगता है वो आपका कहना मानती है बुलबुल? हाँ जी मानती रही। अच्छा, आप इसको क्या खुराक देते हैं? अनार। सिर्फ अनार? हाँ जी अनार ही सिर्फ। शौक से खाती? हाँ जी शौक से। वो आपका कहना मानती है बुलबुल? हाँ जी मानती रही। अच्छा, आप इसको क्या खुराक देते हैं? अनार। सिर्फ अनार? हाँ जी अनार ही सिर्फ। शौक से खाती? हाँ जी शौक से। जब आप जाते हैं घर तो ये जो छतरा है घोंसला बना होगा, ये आप बंद कर देते हैं कि? नहीं नहीं बंद नहीं करते, खुला रहता है। जी अगर आप इनकी दोस्ती देखने आना चाहते हैं फाटक के साथ फ्रूट मार्केट में, इनकी रेडी मौजूद है और बुलबुल मौजूद है, आप आके इनको लाइव देख सकते हैं।